हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन कुर्ती हॉल। और ये जो हॉल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हॉल होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कुर्तीज़ मैंने इस बार परचेस की है और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो कुर्तीज़ है वो सारी अंडर 300 है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये हॉल और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये कुर्तीज़। क्योंकि ये जो कुर्तीज़ है वो रेगुलर वेयर के लिए मैंने परचेस की है और बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे रिसीव हुई है। इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। और यहाँ पर कुछ कुर्तीज़ मेरे पास है तो एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सारी कुर्तीज़ कैसी है, इसका मटेरियल कैसा है और मुझे कैसी लगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। कुर्तीज़ दिखाने से पहले अगर आपको ये कुर्ता पसंद आ रहा है जो मैंने अभी पहना है, तो ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। और इसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और ये जो ईयरिंग्स है ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है, तो इसका हॉल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट कलर से। तो ये है वो कुर्ती और ये कुर्ती जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली इसका डिज़ाइन और इसका जो कपड़ा आया है बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और तो ये कुर्ती आप देख सकते हो, ये कुर्ती कुछ इस तरह से है, येलो कलर है और इसकी जो स्लीव्स है वो त्रिकोण स्लीव्स दी है। इसके ऊपर पाइपिंग दी है ये मरून कलर की और यहाँ पर स्लीव्स पे भी ये प्रिंट दिया है। काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद ये वाला प्रिंट। और फ्रंट में भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन दी है, राउंड नेक है इसका। तो इसमें मेरा साइज है एम, तो एम साइज में मैंने ये कुर्ती ऑर्डर की थी। एक्चुअली मुझे एम साइज लगता है, इसी वजह से मैं सारी कुर्ती एम साइज में ही ऑर्डर करती हूँ। बट ना मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे एल साइज में ऑर्डर करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो कुर्ती है थोड़ी सी मुझे टाइट हो रही है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो कुर्ती है मुझे एक साइज बड़ी लेनी चाहिए थी। तो नीचे कुछ इस तरह से प्रिंट है आप देख सकते हो, और इसका पिक मैं साइड में लगा दूंगी ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि ये कुर्ती ओवरऑल किस तरह से दिखती है। वैसे मैं आपको पहन के दिखा दूंगी कि ये कुर्ती मुझ पर कैसे दिखती है, बट आप मॉडल पर भी देख लीजिए कि ये कुर्ती कैसे दिखती है। और इसका जो मटेरियल है वो है फ्रेंच क्रेप मटेरियल। तो ये जो मटेरियल होता है वो डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, डेली यूज़ के लिए कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये सारी कुर्ती जो मैंने ली है वो सारी कुर्तीज का मटेरियल सेम है। तो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती। सेकेंड कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वाइट कलर में है, वाइट एंड ब्लू कलर में। और ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये कुर्ती भी मुझे। जैसे वो कुर्ती मुझे रिसीव हुई थी तो ये एम साइज़ में मैंने ऑर्डर की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी सी बड़ी साइज लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वाली जो कुर्ती है वो एल साइज़ में ऑर्डर कर दी। और ये मुझे अच्छे से आई है, परफेक्ट आई है। तो इसकी भी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, इसके नीचे एक पाइपिंग दी है, उस पर भी थोड़ा सा ऐसे प्रिंट दिया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसकी वजह से ये। और ओवरऑल कुर्ती पे इस तरह से प्रिंट है, ये कुर्ती भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, पीछे से पूरी प्लेन वाइट कलर में है और आगे से कुछ इस तरह से प्रिंटेड कुर्ती है। कुर्ती का भी मटेरियल जो है वो फ्रेंच क्रेप मटेरियल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डेली यूज़ के लिए। आप डेली यूज़ कर सकते हो, इजीली वॉश कर सकते हो, इसे मशीन वॉश भी कर सकते हो, हैंड वॉश भी कर सकते हो, दोनों तरह से आप इसे वॉश कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुर्ती है और ओवरऑल लुक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राउंड नेक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये कुर्ती मेरी सेकेंड कुर्ती है। So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? तो ये है थर्ड कुर्ती। तो थर्ड कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 3/4 स्लीव्स है इसकी भी। और सारी जो मैंने कुर्तीज़ ऑर्डर की है वो सारी कुर्तीज़ की 3/4 स्लीव्स है। कुर्तीज़ में 3/4 स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस कुर्ती में भी मैंने एल साइज़ ऑर्डर किया था और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट आई है कुर्ती। अगर आप इनमें से कोई भी कुर्ती लेना चाहते हो तो एक साइज़ बड़ा लेना ताकि आपको अच्छे से फिट आ जाए। तो इस तरह से ये कुर्ती है और ओवरऑल जो प्रिंट है इस पर कुछ इस तरह से है, इसका भी पिक आपको साइड में मिल जाएगा। इस तरह से ये कुर्ती है, इसका जो नेक है वो भी राउंड नेक है। और ये भी कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, रेड एंड वाइट कलर में ये कुर्ती है और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इसकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये है मेरी थर्ड कुर्ती। So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. फोर्थ कुर्ती भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये कुर्ती मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, मैं इसे भी लेना चाहती थी। मैंने सोचा चलो अभी सारी कुर्तीज ऑर्डर कर ही रही हूँ तो ये कुर्ती भी ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि बार बार ये कुर्ती मेरे सामने आ रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे ट्राई करनी चाहिए।
तो इस तरह से ये कुर्ती है और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारी कुर्ती है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ब्लू कलर है, मतलब डार्क ब्लू कलर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर भी 3/4 स्लीव्स पे नीचे डिज़ाइन दी है, मतलब इस तरह से प्रिंट दी है, फ्लावर प्रिंट है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ओवरऑल कुर्ती में इस तरह से वन साइड में प्रिंट दी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी वजह से ये कुर्ती। इसको पहन के भी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से मुझ पर लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और इसमें भी मैंने एल साइज़ ऑर्डर किया था क्योंकि पहली मेरी एम साइज़ आ गई थी तो थोड़ी सी टाइट हो रही थी, इसी वजह से मैंने बाकी की कुर्ती जो है वो एल साइज़ में ऑर्डर कर दी। और इसका भी जो नेक है वो राउंड नेक है, बहुत ज़्यादा प्यारी कुर्ती है, आप देख लेना आगे कि मेरे ऊपर कैसी दिखती है। तो ये है मेरी लास्ट कुर्ती। आई होप गाइज आपको ये कुर्ती हॉल पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सारी कुर्तीज बहुत ज्यादा अच्छी है, सारी कुर्तीज का मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, रेगुलर वेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी कुर्तीज है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।